परदेसीपुरा थाना क्षेत्र में एक माह पहले हुई लूट के मामले में पुलिस ने आज एक फरार आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी का उसके क्षेत्र में जुलूस भी निकाला गया। गौरतलब है कि पिछले माह लूट की वारदातें लगातार हुई थी, जिसमें एक परदेसीपुरा थाना क्षेत्र महिला के साथ लूट चाकूबाजी की घटना हुई थी, जिसमें मुख्य तीन आरोपी थे। दो आरोपी पहले ही गिरफ्तार कर लिए गए थे, जिन्हें जेल पहुंचा दिया गया। वहीं एक आरोपी फरार चल रहा था, जिसे आज परदेसीपुरा पुलिस ने गिरफ्तार किया। वहीं आरोपी का घटनास्थल पर व आसपास के क्षेत्रों में जुलूस निकाला गया, ताकि क्षेत्र के रहवासियों का इन आरोपियों के खिलाफ भय कम हो। आरोपी मुख्यतः खजराना क्षेत्र का रहने वाला है। वह परदेसीपुरा थाना क्षेत्र में आकर लूट की वारदात को अंजाम देता है। आरोपी पर एक दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है, जिसमें और भी मामले के खुलासे होने की संभावना है। क्या है पूरा थाना परदेसीपुरा में करीबन एक माह पूर्व एक आरोपी के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था। उसमें उसके द्वारा भंडावरे के दौरान तीन आरोपियों ने मिलकर चाकूबाजी की थी, जिसमें एक आरोपी को तुरंत गिरफ्तार किया गया था। एक आरोपी उसमें फरार था, जिसको चाकू सहित गिरफ्तार किया गया और उसके खिलाफ अवैध वसूली का प्रकरण पंजीबद्ध था। उसमें उसको गिरफ्तार किया गया और उसके द्वारा जहां घटना की गई थी उसी क्षेत्र में उसका जुलूस भी निकाला गया, जिससे संदेश जाए कि अपराध करना गुनाह है। और चूँकि जिसके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध हो के उसी के मोहल्ले में अगर निकाला जाता है, उससे उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी धूमिल होती है। इस प्रकार हमारे द्वारा ये प्रयास किया गया और इस प्रकार गुंडों पर नकेल कसने के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा जो निर्देश दिए गए उसका पालन किया गया। रिपोर्ट भी सामने है। हाँ, इसके ये पूर्व में चूँकि थाना परदेसीपुरा क्षेत्र टापू नगर का निवासी है, वर्तमान में ये खजराना में रह रहा है। इसके खिलाफ थाना परदेसीपुरा में ही 11 अपराध हैं। वहाँ से आके इसके द्वारा इसके दोस्त यार यहीं रहते हैं, इसलिए इसका अपराध करने का तरीका यहीं आके ये अपराध करता है और यह अपराध करके ये भग जाता है। अभी वर्तमान में भी ये अपराध करके फरार चल रहा था। उसका खजराना में भी मेरे द्वारा 5-7 बार उसको पकड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन वो अपना घर छोड़ के इधर उधर भग जाता था। अभी इसको 2 दिन पूर्व थाना परदेसीपुरा क्षेत्र में पकड़कर इसको गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया। सर, थाना अंतर्गत ऐसी कार्रवाई सतत चलती रही? हाँ, ऐसे मेरे आने के बाद पूर्व में भी मेरे द्वारा जो अपराध या चाकूबाजी जो कर रहे हैं, चाकूबाजों का मेरा द्वारा जुलूस निकाला जा रहा है और उसको उसी की जगह जहाँ पे जुलूस निकाला जाता है जहाँ पे उसके द्वारा अपराध किया जाता है, और इसी प्रकार कार्रवाई जारी रहेगी और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में कार्रवाई करते रहेंगे।